नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड से बहुत ही टेस्टी रसमलाई। इसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से टेस्टी सी रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन कर देंगे। पैन के अंदर हम आधा गिलास दूध डाल देंगे। पहले हम आधा गिलास दूध डालेंगे, मैंने मलाई वाला दूध लिया है, और दूध को हम गर्म कर लेंगे। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर आधे कप के करीब मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड, और रस मलाई जो है वो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है, और इसे इसी तरह चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और इसे हल्का गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। अब हम 10 से 15 धागे केसर के डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। केसर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप बिना केसर के भी बना सकते हैं। मैंने 2-3 इलायची को कूटकर उसका पाउडर बना लिया है, वो भी डाल दिया है, और इसे इसी तरह पकने देंगे। अब मैंने 5 से 7 काजू और 5 से 7 बादाम लिए हैं, जिसे पतला पतला काट लिया है, वो भी डाल देंगे। बादाम काजू ऑप्शनल है, और 4 से 5 चम्मच हम शुगर की डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे अब हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है, ये पीले कलर की हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है चम्मच की सहायता से। ये ठंडी होने के बाद फ्रेंड और भी गाढ़ी हो जाएगी। हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। बस इसे 2 मिनट और चलाते हुए पका लेंगे। देखिए, ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। अब मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए, जिसकी मैंने कॉर्नर हटा दी है, और थोड़ा सा दूध लिया है और ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। दूध ब्रेड को दूध में अच्छे से डिप कर लेंगे और इस तरह से निचोड़ लेंगे अच्छे से, और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट भर लेंगे, जिससे ये खाने में टेस्टी लगेगी। और अच्छे से इसकी बॉल सी बना लेंगे, जैसे रसगुल्ले होते हैं ना फ्रेंड, उस तरह से हम इसकी बॉल सी बना लेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ब्रेड को दूध के अंदर अच्छे से डिप करेंगे, फिर निचोड़ लेंगे अच्छे से, और ड्राई फ्रूट भर लेंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे। हल्के हाथ से हम इसे गोल गोल कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हम हल्का सा इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। देखिए, ये दूसरा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, और इसी तरह बाकी बचे हुए 2 भी हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने 4 बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। जब आपको सर्व करना हो तभी आप रबड़ी डालें, और रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई है, आप इसे फ्रिज में रख कर भी ठंडा कर सकते हैं। देखिए, अब 1-1 चम्मच सभी पे डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड, और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने देख लिया, ये झटपट बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसे पिस्ता कतरन से डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगी। आप एक बार इस तरह से ब्रेड रसमलाई ज़रूर बनाकर खाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। देखिए कितनी जल्दी हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेड रसमलाई का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं
कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।